लोग मुझसे कहा करते थे, इतने बड़े सपने मत देखो, मुंह के बल गिरोगे। मैं हंस के कहा करता था, कोई बात नहीं, कम से कम जीवन में ढंग से गिरना तो सीख जाऊंगा। मैं रोज की तरह अपने घर की आरती में हिस्सा लिया करता था और वहां बनी एक खिड़की से बाहर खेलते बच्चों को देखा करता था। ना जाने क्यों आरती की बजाय उस 3 फुट के बल्ले में मुझे ईश्वर नजर आता था। एक कशिश के साथ मुझे अपनी ओर खींचता और मैं भी पागलों की तरह दिन भर उससे खेलता रहता। मैंने कोई सपना नहीं देखा, बस पूजा की, अपने प्रेम की, अपने ईश्वर की। और पता नहीं कब गुजरा कल एक ख्वाब बन गया। कभी कभी बिजली ना होने के कारण मैं और मेरी मम्मी साथ में छत पर सोया करते थे। मैं अक्सर टकटकी लगाए चमकते हुए सितारों को देखा करती थी और सोचती थी, क्या कभी मैं वहां जा पाऊंगी। मेरी मम्मी अक्सर मुझसे कहा करती थी, जब भी लड़खड़ाने लगो और हिम्मत हारने का मन हो तो आंखें बंद करके अपने सपने को देख और फिर फैसला करना, यदि यहां छोड़ दिया तो तुम क्या मिस कर दोगी। जीवन में 2 किस्म के लोग होते हैं। पहले वो जो कहते हैं उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। ऐसे लोग हमेशा डिमांडिंग रहते हैं और मौजूद चीजों को लूटने में लगे रहते हैं। दुनिया की भीड़ में शामिल छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ते हैं और इन्हीं को लूटते लूटते चले भी जाते हैं। और दूसरे वो जो कहते हैं उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए। ऐसे लोग सवाल करते हैं जीवन से ऐसी चीजों के बारे में जो शायद अभी है भी नहीं। भीड़ से अलग हटकर एक सवाल मन में लिए सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है। मैं भी शायद उनमें से एक था जिसने सवाल किया, ऐसा सवाल जिसके जवाब ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। नौ साल की उम्र में कितना पता होता है। हाँ, दर्द को महसूस कर पा रही थी। विश्वास के परे था कि मेरे चचेरे भाई मुझे इतना दर्द दे रहे थे। जब प्रेग्नेंट हुई तब पता चला कि मेरी हस्ती क्या है। जिंदगी से ऐसे जख्म मिले जिन्हें धोना नामुमकिन था। खुद से ही घिन होने लगी थी। ना जाने कौन से कोने में छिपी हिम्मत थी जो हारने ना देती। बस एक और कदम और फिर एक और कदम और लड़ते लड़ते पहुंच गई आज के सुनहरे कल में। कठिनाइयां तो बस इम्तिहान है आपके आने वाले भविष्य का। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, आज आप कैसा महसूस करती हैं। महसूस का तो पता नहीं, पर हाँ गर्व होता है। गर्व होता है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। क्या मेरा सफर आसान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद थी
और हमेशा सोचा करता था कि भविष्य में कैसे टेक्नोलॉजी मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल होगी। मेरे हीरो एडविन लैंड ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा था जो टेक्नोलॉजी और मानवता के बीच एक सेतु का निर्माण कर सकें, उनके जीवन को और आसान बना सकें। और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना था। मेरे जुनून, कभी न हार मानने का जज्बा और कड़ी मेहनत ने मुझे मेरे सपने तक पहुंचाया। जो लोग कभी हंसते थे आज मेरे लिए तालियां बजा रहे। मेरा दीवानापन आज लोगों की आंखों में दिख रहा था। और एप्पल इनकॉर्पोरेशन तो बस उसका एक आईना भर है।